जय श्री राम दोस्तों आ गया हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ तो दोस्तों आज धनतेरस का दिन था और गए थे धनतेरस के शुभ अवसर पे बाइक लेने के लिए तो दो दोस्तों आप देख सकते हैं कि होंडा का एस पी वन सिक्सटी जो अगस्त में लॉन्च हुआ है वो हम अभी शोरूम से ले रहे हैं तो अभी यहाँ फिटिंग आ, ये सब चल रहा है आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लुक दिया गया है होंडा एस का आप फ्रंट और बैक से देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिया है तो अब हम लोग आ गए हैं अपने बाइक को ले मंदिर में पूजा कराने के लिए और पंडित जी भी आ गए हैं अब वो पूजा करेंगे बाइक का फिर हम लोग बाइक को लेकर यहाँ से निकलेंगे पापा भी आए हुए हैं साथ में और आप देख सकते हैं कि पूजा स्टार्ट हो गया है और पंडित जी जो हैं पूजा कर रहे हैं बाइक का अभी भगवान विश्वकर्मा का भी हम लोग पूजा कर ले रहे हैं और आज शनिवार का दिन है काफ़ी शुभ अवसर है आज के दिन नया बाइक ये पूजा कराने का तो हम लोग काफ़ी अच्छे दिन में आए हुए हैं और अभी भगवान विश्वकर्मा का पूजा चल रहा है भगवान से यही कामना करेंगे कि हमारा साथ जो है इस बाइक के साथ वो बने रहे लंबे समय के लिए इसी कामना के साथ जो है भगवान का पूजा अर्चना चल रहा है तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अभी पूजा चल रहा है देखिए सोनी को भी साथ लेकर आए हैं वो भी इन्जॉय कर रहा है नया बाइक को देखकर वो भी काफ़ी खुश है और लगभग अब पूजा हो ही चुका है तो अभी पापा भी अगरबत्ती दिखा रहे हैं भगवान विश्वकर्मा को और यहाँ पे जो आ, ओम का ये है ओम लिखा जा रहा है बाइक पर उसके बाद जो है पंडित जी स्वास्तिक बनाएंगे और आप देख सकते हैं फ्रंट लुक से काफ़ी अच्छा दिख रहा है बाइक होंडा एस पी वन सिक्सटी और काफ़ी कंफर्टेबल है चलाने में और काफ़ी अच्छा लग रहा है और नया बाइक है तो एक एक्साइटमेंट है नया बाइक को चलाने का और यहाँ पे स्वास्तिक जो है देख सकते हैं आप पंडित जी बना रहे हैं तो अभी जो पूजा का प्रक्रिया है वो अभी फिलहाल चल ही रहा है ए, कुछ देर और लगेगा उसके बाद जो है ए, पूजा सम्पन्न होगा उसके बाद हम लोग बाइक लेके कर यहाँ से निकलेंगे और अभी वर्किंग पे भी जाना है तो अभी करीब सवेरे का दस बज चुका है और वर्किंग पे निकलेंगे वर्किंग पे हमें सराय केला जाना है तो अभी हाईवे पे भी चलाने का इसे शुभ अवसर है मेरे लिए क्योंकि वर्किंग के दौरान मुझे अभी लगभग पचास किलोमीटर इससे जाना है तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि इसे मैं हाईवे पे भी चलाऊँगा तो एक अलग मज़ा आएगा और क्योंकि वन है पावर भी अच्छा है इसमें फाइव गेयर है तो अच्छा लग रहा है तो देखिए दोस्तों अब जो है अब नारियल ले आ गया है और अब नारियल पहले पंडित जी इसको नारियल को फोड़ के इस पर जो जल का छिड़काव कर रहे हैं गाड़ी पर अब देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्साइटमेंट जो है जैसे जैसे पूजा खत्म होने को आ रहा है तो जो बाइक चलाने का जो एक्साइटमेंट है वो भी पूरी तरह से बढ़ते जा रहा है कि कब बाइक हाथ में आए और मैं लॉन्ग टूर पे इसे अब लेके निकलूँ क्योंकि वर्किंग का भी जो टाइम है वो होते जा रहा है तो अब देख सकते हैं जो चुन्नी है वो दोनों ब्लिंकर साइड में इसे बांध दिया जाएगा जो काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में दोस्तों और जो नया बाइक में ये सब जो पूजा का प्रक्रिया होने के बाद जो बाइक दिखती है वो काफ़ी सुंदर दिखती है और काफ़ी अच्छा लग रहा है और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यह जो बाइक है इसका ऑन रोड कीमत जो है वो एक लाख बावन हज़ार इसका कीमत है और वन सिक्सटी सी की बाइक है फाइव गियर है दोस्तों और डबल डिस्क और सिंगल डिस्क दोनों में अवेलेबल है पर मैं ये जो बाइक लिया हूँ यह डबल डिस्क है तो इसका जो ऑन रोड प्राइस एक लाख बावन हज़ार है तो दोस्तों देखिए अब पूरी तरह से पूजा जो है समाप्त हो गया है तो अब हम लोग निकलते हैं और मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में